आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज की जो डिजाइन है बहुत प्यारी से, बहुत ही अलग सी डिजाइन है। इसको हम बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको गर्ल्स में या बॉयज में दोनों में डाल सकते हैं। लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, हर तरह से ही सूटेबल रहेगी। आप सॉक्स बनाने तो उसमें भी डाल सकते हैं और कैप में भी डाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने डिजाइन की तरफ। ये इस चेन को बनाने के लिए मैंने पर्पल और व्हाइट कलर का यूज किया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर के बाद मैंने इसमें दो रो उल्टी और सीधी दो रो निकाल ली हैं, जो ये डिजाइन की बेसिक रो रहेंगी। आप चाहिए तो पर्पल कलर से भी बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, मैंने व्हाइट का यूज किया, आप पर्पल का भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। डिजाइन जो है दो दो फंदों के मल्टीपल चलेगा। दो फंदे एक्स्ट्रा हैं इसमें मेरे। पहला फंदा ये मैं सीधा बनाऊंगी, ये ऐसे धागा हम ये पीछे ही रहने देंगे, सॉरी आगे लेके आएंगे यहाँ इस तरीके से। और यहाँ से हम ये देखिएगा पीछे से ऐसे हम ये इस तरीके से एक फंदा बनाएंगे अपना, और फिर यहाँ पे हम दो का एक कर देंगे। ये यहाँ पे दो का एक, ये देखिएगा ऐसे। फिर से हम यहाँ पीछे से निकालेंगे, ये देखिएगा यहाँ से पीछे से ऐसे, ये दो का एक इस तरह से, और फिर दो का एक करेंगे। ये दो फंदे हमारे पूरे डिजाइन में रिपीट होंगे, ये इस तरीके से। यहाँ पीछे से लेंगे, ये देखिएगा ऐसे, धागा आगे से लिया और दो का एक करेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ये इसकी वाइटनिंग बढ़ाती हूँ ऐसे। एक बार और बताती हूँ, यहाँ पीछे से लेंगे ऐसे दो फंदों के बीच में, यहाँ पे ये इस तरीके से साइड से, और फिर दो का एक करेंगे ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ से पीछे से लेंगे साइड से ये ऐसे, और दो का एक करेंगे, और इसी तरह से करते हुए पूरी रो भी अपनी कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से बनेगा। अब ये इसकी उल्टी साइड है, और उल्टी साइड हम पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बताती हूँ, ये देखिएगा बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसे सभी में बनाते हैं हम उल्टा उल्टा इस तरीके से, और चलिए बना भी लेते हैं फिर ऐसे। ये देखिएगा इस तरीके से। अब डिजाइन की थर्ड रो है हमारी। थर्ड रो में पहले वाला जो फंदा है इसको मैं बना लूँगी, और यहाँ पे ये सेकंड वाले को भी बनाएंगे। थर्ड वाले को हमें स्लिप करना है, फिर एक फंदा बनाएंगे और एक को स्लिप करना है। एक फंदा बनाना है और एक को स्लिप करना है। एक फंदा बनाएंगे, एक को हम स्लिप करेंगे ये इस तरीके से, और पूरी रो बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा ये थर्ड रो का डिजाइन मैंने बना के कंप्लीट किया। अब ये डिजाइन की फोर्थ रो है। फोर्थ रो को भी हम पूरा उल्टा उल्टा बना के ही कंप्लीट करेंगे। चलिए कर भी लेते हैं पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट। ये देखिएगा ये चार रो की डिजाइन है, और चार रो की डिजाइन बन के ये हमारी कंप्लीट हो गई चार रो में। अब सेम चार रो हम वाइट कलर से रिपीट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा पहले वाला फंदा सीधा बनाया, धागा ये इस साइड लेके आई आगे की साइड, पीछे से यहाँ से दो फंदों के बीच में से इस तरह से एक फंदा बनाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे ये आगे ये ऐसे। ठीक है, फिर से दो फंदों के बीच यहाँ साइड से ऐसे लेके आएंगे, एक फंदा बनाएंगे और दो फंदों को एक करेंगे। इसी तरह से ही पूरी रो भी हमारी रिपीट हो जाएगी। आगे की चार रो भी सेम बनेंगी जैसे हमने बताई हैं आपको। चलिएगा मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ उसका आपको। ये देखिएगा फाइनल लुक कुछ इस तरह की आएगी। अगर आपको ये मेरी डिजाइन पसंद आई हो या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।